आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, टैक्स पेयर को बहुत बड़ा झटका लगा है। सर क्यों लगा है टैक्स पेयर को बहुत बड़ा झटका? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ी जजमेंट दी है सेक्शन 16(4) पर। सर क्या जजमेंट है, जरा एक बार इसे हम स्टडी कर लेते हैं। हुआ क्या, ठीक है, असेसी ने अपनी रिटर्न्स को लेट फाइल करा। लेट फाइल कब करा? जब उसकी 16(4) की टाइम लिमिट निकल चुकी थी। अब डिपार्टमेंट ने कहा भाई साहब हम आपको इसका आईटीसी नहीं देंगे। असेसी ने क्या करा, ठीक है, एक रिट पिटीशन डाल दी। अब रिट पिटीशन के अंदर उसने 4 क्वेश्चंस पूछे। अब उस 4 क्वेश्चंस में जो जवाब आया डिपार्टमेंट का, जो जवाब आया हाई कोर्ट का, तो उन्होंने असेसी के अगेंस्ट डिसीजन दिया है। तो क्या 4 क्वेश्चन थे, जरा एक बार देख लो। पहला क्वेश्चन क्या था कि भाई ये जो सेक्शन 16(4) है, असेसी ने बोला कि भाई ये जो सेक्शन 16(4) है जिसमें आप आईटीसी लेने की टाइम लिमिट की बात कर रहे हो, ये पहली बात ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैलिड ही नहीं है। इन्होंने कहा कि ये सेक्शन 16(4) ये वॉयलेशन कर रहा है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19(1)(g) का। तो हाई कोर्ट ने इसमें बोला भाई साहब कोई वॉयलेशन नहीं है, ये जो आपका आईटीसी है, ठीक है ना, ये आपका राइट नहीं है। ये आपका राइट तभी बनता है जब आप लॉ के अंदर की कंडीशंस सेटिस्फाई करो, तभी आपका राइट बनता है, अदरवाइज ये कंसेशन है, ठीक है ना। तो 16(4) को लेकर ये हाई कोर्ट ने बड़ी जजमेंट दी और कहा कि भाई 16(4) से कोई भी संविधान का आर्टिकल वॉयलेट नहीं हो रहा। दूसरी बात असेसी ने क्वेश्चन रखा कि भाई ये जो सेक्शन 16(4) है, ठीक है ना, जो सेक्शन 16(4) है, ठीक है, इससे ऊपर सेक्शन 16(2) आएगा, क्योंकि सेक्शन 16(2) स्टार्ट होता है आईटीसी का नोट विद स्टैंडिंग क्लोज से कि भाई सेक्शन 16(2) ओवर रूल करता है 16(4) को। तो यहां पर भी हाई कोर्ट ने असेसी के अगेंस्ट बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने भाई साहब कहा कि सेक्शन 16(2) जो ओवर रूल करता है वो सेक्शन 16(1) को करता है, ठीक है ना, सेक्शन 16(4) को 16(2) ओवर रूल नहीं करता, ठीक है ना। तो यहां पर भी बड़ा झटका लगा। तीसरी बात इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब की जो मैंने अपनी रिटर्न लेट फाइल करी थी वो कोविड-19 के चक्कर में करी थी। तो हाई कोर्ट ने इसके जवाब में बोला कि भाई उस टाइम पर तो हमने रिलैक्सेशन दे दी थी, जो भी रिलैक्सेशन देनी थी उस टाइम पर रिलैक्सेशन दे दी थी, और कोविड सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ी था, सबके लिए कोविड था। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि मैंने कोविड की वजह से रिटर्न लेट फाइल करी तो मेरा जो आईटीसी है, जो टाइम लिमिट है, उसके बाद भी मुझे मिलना चाहिए। चौथी चीज क्या बोली असेसी ने चौथी चीज बोली कि भाई साहब मैंने जो लेट फीस जमा करी थी 10,000 रुपए की, तो अब मैंने 10,000 रुपए की लेट फीस जमा करी थी, तो अब इसका मतलब यह है कि जो मैंने जुर्म कराए, जुर्म मतलब कि अपने रिटर्न को लेट फाइल कराए, तो वो मेरा जुर्म माफ कर दिया जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं होता, अगर आपने लेट फीस पे करी थी तो लेट फीस किस चीज की थी, आपने रिटर्न लेट फाइल करी उसके लिए आपने लेट फीस पे कर दी। लेट फीस पे करने का मतलब ये नहीं होता कि भाई अब हम तुम्हारे को आईटीसी दे दे या हम तुम पे इंटरेस्ट ही ना लगाए। तो ये 4 सवालों के जवाब असेसी ने मांगे थे जो कि हाई कोर्ट ने असेसी के अगेंस्ट में दिए हैं। तो ये 38 पेज की जजमेंट है। अगर किसी व्यक्ति को चाहिए तो आप हमारी टीम से व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिसीजन को आने के बाद असेसी को पूरा झटका लगा है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो केस को पढ़ सकते हैं। इसके अंदर क्या था, मार्च 2020 की रिटर्न थी जो फाइल करनी थी, असेसी ने जो फाइल करी वो लेट फाइल करी जब तक टाइम लिमिट जा चुकी थी। उसके बाद डिपार्टमेंट ने सेक्शन 74 में नोटिस दिया। यहां पर मेरा मानना ऐसा है कि जो सेक्शन 74 में नोटिस है वो गलत था, क्योंकि इसका नोटिस सेक्शन 73 में आना चाहिए था, क्योंकि आप इसे फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं डाल जा सकते। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि जो डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया सेक्शन 74 में वो सही था या गलत था, क्योंकि मेरे हिसाब से 73 में नोटिस आना चाहिए था। इसके बाद क्या हुआ कि ये नोटिस आया, ठीक है, इसके बाद आप इस चीज को समझिए, आईटीसी का अमाउंट था कुल 4,78,000, लेकिन डिपार्टमेंट ने 100% की पेनल्टी लगाई और इंटरेस्ट लगा के जो डिमांड नोटिस था वो 11 लाख रुपए का था, 11.25 लाख का। तो यहां पर
असेसी ने जो रिट फाइल करी उसमें यही चीज बोली गई कि भाई साहब ये सेक्शन 16(4) के हिसाब से हमारे को आईटीसी दे दो, 16(4) को एक बार साइड रख दो, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। और अगर आप इसका डिसीजन देखेंगे जो बिल्कुल लास्ट पेज पे दिया गया है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है रिट पिटीशन इज डिसमिस, कि भाई जो रिट पिटीशन लगाई थी वो डिसमिस थी। तो यहां पर अगर आप ध्यान से समझोगे, इस पूरी जजमेंट को पढ़ोगे कि भाई इन्होंने बोला कि भाई आपकी 3B रिटर्न हमने एक्सेप्ट कर ली, वो ड्यू डेट के बाद थी, एक्सेप्ट कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो 16/4 की डेट के बाद आपने आईटीसी लिया वो भी वैलिड हो जाएगा। फिर इन्होंने 16/2 जो था, 16/2 नोट विद स्टैंडिंग, उन्होंने कहा इसका मतलब 16/2 जो आप कह रहे हो कि ये 16/4 को वो ओवरराइड करेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने बोला ये दोनों सेक्शन इंडिपेंडेंटली चलेंगे। और जहां पर पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने बोला था कि भाई 16/4 वोलेशन कर रहा है आर्टिकल दिस का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, संविधान का, वो भी इन्होंने मना कर दिया। तो इस जजमेंट को आप पढ़ना, बहुत मजेदार जजमेंट है, अगर आप चाहोगे तो हमारी टीम आपको व्हाट्सएप कर देगी। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद एक ही उम्मीद रह जाती है, वो रह जाती है सुप्रीम कोर्ट की। तो अगर आप, ठीक है ना, 16/4 का कोई नोटिस आया हुआ है तो, या आपको अपील के अंदर हो तो आपके लिए एक दिक्कत वाली बात है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट हो सकता है तुम्हें 16/4 के केस में कोई रिलैक्सेशन दे दे। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये असेसी के अगेंस्ट डिसीजन दिया है। तो इसी तरह के सारे डिसीजंस, इसी तरह का पूरा कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 अगस्त से। ये जो कोर्स होगा ये शाम को 7 से 9 बजे तक चलेगा, सैटरडे और संडे। तो आप अपने वीकेंड में प्लान कर सकते हैं 7 से 9। और अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है आपको टेंशन नहीं लेनी, आप 1 ईयर वैलिडिटी के साथ इसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ठीक है। ये कहां से मिलेगा, आप ऐप स्टोर से हमारा KJ क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, वहां पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो इसमें लिमिटेड सीटें हैं, तो कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आप इसे ले लो और इसके अंदर हम पूरा कोर्स कवर अप कराएंगे। चलिए, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।